एवरीवन, मैं विशाली और एक न्यू ब्लॉग के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो थ्री ऑन ट्रैक का है, तो मैं जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि इस टाइम यानी कि नवंबर, आज 11 नवंबर है और कैसा माहौल है वहाँ पे। मुझे मालूम नहीं है कि वो खुला है या बंद है, वहाँ जाके देखेंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो थ्री ऑन देखने में नवंबर के महीने में कैसा दिखता है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। मैं काफ़ी रास्ता ट्रैवल कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रहता है सिर्फ एक दो घंटे का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने गर्मा गर्म मैगी, वैसे मम्मा ने भी खाना देके भेजा, लेकिन गर्मा गर्म मैगी अब मैं खा के दिखाती हूँ टेस्ट कितना अच्छा है। लाजवाब, पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई। सो गाइस, मुझे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है, ये ट्रैक है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगी। और दूसरी चीज़, सांस बहुत फूल रहा है क्योंकि ये जो पत्थर है ना, इन पत्थरों की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो नीज़ में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है चलते वक्त, बट व्यू इतना सुंदर है ना। सो गाइज, अब त्रिवेणी की जो ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है वो कुछ मिनट्स का रह गया है और यहाँ पे बर्फ भी गिरी है थोड़ी थोड़ी, आप देख सकते हो नीचे थोड़ा थोड़ा, और बस सांस फूल गई है और चलते हैं अभी। सो गाइस, त्रिवेणी तो पहुँच गए हैं, यहाँ पे एक अलग सी शांति है, अलग सा सुकून है, और जो कि दिल्ली में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। सो बेसिकली अब ये ट्रैक फिनिश होता है, लोकेशन आप देख सकते हो, इससे आगे रास्ता नहीं है, होगा तो मुझे जाना नहीं है, मेरे में बहुत ताकत नहीं है। और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल त्रिवेणी, आई थिंक आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है थोड़ा देखिए। और अब हम वापस जा रहे हैं बिकॉज थोड़ी अंधेरा होने वाला है और ठंड बढ़ने वाली है, तो गाइज लेट्स गो बैक टू होम।